दोस्तों स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के साथ और खुदावन यीशु आपको संभाल के रखे। तो दोस्तों आज फिर हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के बारे में, जो कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के बारे में है, कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के ऊपर लगा रहे झूठे दोषों के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में प्रोफेट बजिंदर सिंह जी की एक वीडियो बहुत सारी वायरल हो रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने एक लड़की, एक जो बीमार जो कैंसर के मरीज थे, उनसे 65,000 रुपया ले लिया और उनकी ले एड भी नहीं करवाई और वो लड़की मर गई। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये बात किस हद तक सच है और किस हद तक झूठ है। तो अब हम देखते हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के मुंह से कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने क्या कहा, और प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने ये भी कहा है कि हम धर्म परिवर्तन के बारे में, हम देखते हैं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने धर्म परिवर्तन के बारे में क्या कहा और जो उन पर लगाए जा रहे झूठे दोष के बारे में प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने उनके बारे में क्या कहा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, खुदावन यीशु आपको संभाल के रखे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह जी की वीडियो, जो कि मीडिया के सामने प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने अपने कुछ विचार साझे किए हैं, हम देखते हैं इस वीडियो में। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैं क्वेश्चन को आंसर देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग डाउट में हैं, जैसे हमारे क्रिश्चियन समाज के ऊपर, हमारे पास्टर और विश्वासियों सबके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, धर्म बदलते हैं। देखो मेरा नाम भी बजिंदर सिंह है, मैंने आज तक क्यों नहीं जो है उस नाम को चेंज कर लिया। मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ कोई किसी का धर्म नहीं बदला जाता, सब अपनी आस्था के कारण आते हैं। जो हर एक धर्म के अंदर ये कानून है कि जिसकी आस्था होगी तो वो वहां जा सकता है। सब लोग यहाँ अपनी आस्था को लेकर आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर कहा, ये क्लियर यहाँ पर मत्ती की किताब में, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि चाहे कोई बीमार है, चाहे कोई कुछ है, तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करना है। ये हमारा एक कर्तव्य है कि हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति ये बोलता है कि लाओ जी हम पेशेंट ले आते हैं, चंगा करके दिखाओ। हम तो इंसान है, हम भगवान थोड़ी है, हम परमेश्वर थोड़ी है, हम तो एक भक्त है उसके। हम जो हमें एक परमेश्वर ने जो हमें परमेश्वर ने जो है एक बख्शीश दी है, जैसे आपके हिंदू धर्म में बोला जाता है, किसी भी समाज में बोला जाता है बख्शीश, तो वो बख्शीश हमें मिली है कि परमेश्वर हमें ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो उसकी आस्था के कारण है। बाइबल बोलती है, करा कि तीन लोगों का विश्वास करा, एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास, एक बीमार को लाने वाले का विश्वास और एक बीमार का विश्वास देखा जाता है। एक पादरी का विश्वास है ना, देखो आप कल्ला उसका विश्वास भी देखो ना, क्योंकि बाइबल बोलती है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मतलब कि जो आप विश्वास के कारण जो भी कोई आएगा, तो जिसके घर में कोई आशीष मिलेगी तो आ जाएगा। मैं खुद, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी, तो जब वो उसके लिए एक प्रार्थना की किसी व्यक्ति ने, पास्टर ने, और आज से 11 साल पहले वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं उसी समय, अब मेरी माँ को कौन रोकते, मेरी माँ ना कोई, मेरी माँ कहीं चर्च जाती है ना कहीं कुछ करती, घर बैठ के यीशु मसीह का नाम लेती है, बोलती है कि मैं तो उसका नाम लूंगी। मतलब दोस्तों आप सभी ने देखा ही होगा कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने क्या कहा मीडिया के सामने। तो दोस्तों इस वीडियो में हमें सीखने लायक ये बात मिलती है कि हमारी लाइफ में कैसे भी परेशानी आए, कैसे भी हमारे जीवन में सताव हो, कैसे भी मसीह सताव हो, कैसे भी लोग हमें कहें, हमें खुदा के साथ मजबूत रहना चाहिए, खुदा के साथ चलना चाहिए। तो दोस्तों खुदा के वचन में पहले हमें खुदावन यीशु मसीह ने बोल दिया है कि जैसे मेरे पर अपराध दोष लगाए गए हैं, आप पर भी लगाए जाएंगे। तो दोस्तों खुदा के वचनों के साथ हमें सिद्धता के साथ चलना चाहिए और खुदा हमें ब्लेस करे। तो दोस्तों मिलते हैं हम एक और नए वीडियो के साथ आज की वीडियो में, यही गॉड ब्लेस यू ऑल।